हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्री मंत्रास। कैसे हो फ्रेंड्स सब लोग? पहले एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। अभी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा सा बाहर जाने से रोकें, और क्योंकि देखो आप ही, मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे तो तभी फैमिली को बचा पाओगे। बाकी अब आज के जो टॉपिक में उसके बारे में डिस्कस करने स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक का नाम है और गेट, जिसको हम इंक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिव गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे से सॉरी, लिखने में मिस्टेक हो गई। एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं हम एक्स और गेट को, ठीक है। एक्स और गेट भी आपने नाम सुना होगा, मैं आपको आगे कवर करूँगा। इसका नाम है इंक्लूसिव और गेट, ठीक है। इट गिव्स जीरो आउटपुट ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर जीरो। ये इसकी कंडीशन है। आउटपुट की कंडीशन क्या है कि इसका आउटपुट सिर्फ एक ही कंडीशन में जीरो होता है, और वो कंडीशन है जब सारे इनपुट जीरो हो जाएं, ठीक है। जीरो 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 जीरो, जितने भी नंबर एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, उन एन नंबर ऑफ इनपुट्स में से अगर एक भी इनपुट वन होगा तो ये आउटपुट वन ही देगा, ठीक है। जब हमारा सारे आउट इनपुट जीरो हो जाएंगे तभी ये सिर्फ आउटपुट जीरो देगा। इसका सिंबल क्या है? सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। ये सिंबल है इसका। इसमें दो इनपुट के लिए मैंने लिया हुआ है, दो से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। तो वाई जो इसका आउटपुट है, ए एंड बी इसके इनपुट हैं। तो इसका जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ए और बी, इसको जो ए प्लस बी जो लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी नहीं पढ़ते हैं, इसको ए और बी पढ़ते हैं। वाई इक्वल टू ए और बी, ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल एक ऐसा चीज़ है जो कि इनपुट के सारे कॉम्बिनेशंस लेके, मान लीजिए देखो नंबर ऑफ़ इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, टू की पावर एन, एन इज़ द नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स या फिर नंबर ऑफ़ इनपुट्स। तो नंबर ऑफ़ इनपुट कितने हैं यहाँ पे, दो। तो दो इनपुट के लिए नंबर ऑफ़ टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, टू की पावर टू, टू की पावर टू मतलब फोर। अगर हम इसी को तीन इनपुट वाला ले लें, ठीक है, तीन इनपुट का नॉट और गेट ले लें, तो उसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितना होंगे, टू की पावर थ्री, मतलब कि एट इनपुट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। कैसे लेते हैं इसको, ए को भी जीरो ले लो, बी को भी जीरो ले लो, फिर ए को जीरो ले लो, बी को वन ले लो, फिर ए को वन ले लो, बी को जीरो ले लो, फिर दोनों को वन वन ले लो, ठीक है। उसके बाद आपका जो आउटपुट आता है, इसमें आउटपुट क्या बताया मैंने आपको, सिर्फ एक ही कंडीशन में आउटपुट जीरो होगा जब तुम्हारे सारे इनपुट जीरो होंगे। तो मतलब जीरो, ए को और बी को दोनों को जीरो जीरो लेके ही आउटपुट जीरो आएगा, अदरवाइज़ हर एक अदर कंडीशंस में वन 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 आ जाएगा, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो ए विद ए कितना होगा, ए और ए, ए और ए भी ए ही आएगा। ए क्या है, ये ए की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। डिजिटल के केसेस में बाइनरी नंबर पे काम किया जाता है, आपको पता होगा ये चीज़ कि बाइनरी नंबर पे काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ से सीख ली है कि भाई ए और ए है तो ए और ए होगा हमारा ए, ए और जीरो है तो ए और जीरो होगा हमारा ए। क्यों? क्योंकि अगर तुम ए को जीरो ले रहे हो तो जीरो प्लस जीरो और जीरो भी जीरो होगा, और वन ले रहे हो तो वन और जीरो भी वन होगा। मतलब ए पे डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू आने वाली है। ए को वन के साथ और करोगे तो वन ही आएगा, वन के साथ किसी को भी और कर लो, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख के जो मर्जी प्लस वन कर दो या और वन कर दो तो आंसर वन ही आएगा। वन के साथ सारे ऑपरेशंस को और कर दो, वन ही आता है, ठीक है। ए और ए बार, ए बार मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है, उसके बाद हम इसका जो सर्किट देखते हैं, तो ये सर्किट डायग्राम इसका बना हुआ है। सर्किट डायग्राम में क्या है, इसको हमने स्विच के बेसिस पे लिया हुआ है। दो स्विच मान लीजिए लगा दिए इसमें हमने, डिजिटल स्विच हैं, ए स्विच हो गया, बी स्विच हो गया। तो ए स्विच और बी स्विच जो हैं, ये ए की बी की वैल्यू अगर जीरो जीरो ले रहे हैं तो ओपन सर्किट हो जाते हैं, और अगर ए और बी की वैल्यू वन वन ले रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। मतलब स्विच ओपन कब होगा, जब आप ए और बी की वैल्यू जीरो ले रहे हो, और स्विच क्लोज कब होगा, जब आप ए और बी की वैल्यू को वन ले रहे हो, ठीक है। तो और ये हमने क्या लगाया हुआ है, इधर आउटपुट पे बल्ब लगाया हुआ है, तो बल्ब कब ग्लो करेगा कब ग्लो नहीं करेगा ये देखना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसका देखिए, ये हमने यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है। तो इसमें अगर हमने फर्स्ट केस लिया है तो ए की वैल्यू भी जीरो है और बी की वैल्यू भी जीरो है। तो जब ए और बी दोनों ही जीरो जीरो हैं तो उस केस में ए बी ओपन सर्किट, फर्स्ट स्विच, दूसरा स्विच भी ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट हो गया तो हमने जो इनपुट अप्लाई किया है, इनपुट पे वोल्टेज जो अप्लाई किया है, ये इनपुट वोल्टेज आपके आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। तो इस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा और आउटपुट हो जाएगा जीरो, ठीक है।
उसके बाद ये तो पता होगा आपको, नेटवर्क थ्योरी में बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नेटवर्क थ्योरी के मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं ऑलरेडी, तो उन लेक्चर्स को आप देख लीजिए, वो गेट ईएस के हिसाब से पूरा डाला हुआ है, एसएससी जेई सब कवर्ड है उसमें, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है उतना ही काफ़ी है जितना मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा, 20 के आसपास इसकी वीडियोज़ हैं नेटवर्क थ्योरी की, उनको आप देख सकते हैं। एक यार फ्रेंड्स थोड़ा सा हेल्प करो मेरा भी, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, अगर आप वीडियोस को शेयर करोगे तो यार ज़्यादा लोग, ज़्यादा व्यूअर्स होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ज़्यादा लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर किया करिए वीडियोस को जो भी है, अगर कंटेंट में कुछ इशू लगता है आपको, अच्छा नहीं लग रहा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो यार, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दो थोड़ा। अब देखिए केस टू में क्या है, ए इक्वल टू जीरो ले लिया, बी इक्वल टू वन, तो जीरो का मतलब ओपन सर्किट, वन का मतलब शॉर्ट सर्किट, तो हमने फर्स्ट वाला ओपन सर्किट कर दिया, सेकंड वाला शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो यहाँ से आउट इनपुट जो है अब पास हो सकता है, तो इनपुट पास हो गया आउटपुट पे पहुँच गया, तो वी आउटपुट इक्वल टू हो गया वी इनपुट, और ये बल्ब जो है बल्ब लगाया हुआ था वो ग्लो करेगा। थर्ड केस हमारा आता है, ए की वैल्यू वन ले ली हमने और बी की वैल्यू जीरो ले ली, तो ए की वैल्यू वन लेने से ए हो गया शॉर्ट सर्किट और बी की वैल्यू जीरो लेने से बी हो गया ओपन सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में अब शॉर्ट सर्किट से आपकी करंट पास हो जाएगी और वोल्टेज जो है वो आपका आउटपुट पे पहुंच जाएगा, तो आउटपुट जो हो जाएगा वो इनपुट के बराबर और आपका जो बल्ब है फिर से ग्लो कर जाएगा। फाइनल केस जो है ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन, ठीक है, तो ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू वन, इसका क्या मतलब है कि ए भी शॉर्ट सर्किट हो गया बी भी शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों जो आपके बल्ब लगे हो सॉरी जो दोनों ही स्विच हैं वो दोनों ही क्लोज्ड हैं, तो दोनों स्विच क्लोज हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों में से ही आपका करंट किसी में से भी पास कर सकता है, दोनों ही शॉर्ट सर्किट हैं, तो मतलब सेम ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस जीरो वोल्टेज जीरो करंट इन्फानाइट पास करेगा, ठीक है, इन्फानाइट मतलब मैक्सिमम करंट जो भी होगा वो पास करेगा, तो इसका मतलब आपका जो इनपुट है वो आउटपुट पर पहुंच जाएगा और इसमें भी आपका बल्ब ग्लो करेगा, तो यहाँ से जो मैंने आपको अभी ट्रूथ टेबल बताई थी वो ट्रूथ टेबल इसी से बनती है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रूथ टेबल वो इसी से बनती है, जीरो जीरो लिया तो आउटपुट जीरो आया, जीरो वन लिया तो वन आया, वन जीरो लिया तो वन आया, वन वन लिया तो वन आया, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज की हमारी वीडियो थी, आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा ना लगे उसको भी बताइएगा कि इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं हम, और कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट है तो वो ज़रूर पूछ लें, ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।